बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। कल हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके हमने पार्ट्स पढ़े थे, और नोज़ एंड थ्रोट फर्स्ट पार्ट हमने कल पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ट्रेकिया और विंड पाइप, यानी कि हवा की नाली। एयर पासेस फ्रॉम द लैरिंग्स इनटू द ट्रेकिया और विंड पाइप। हवा लैरिंग्स से गुजर कर ट्रेकिया या विंड पाइप में आती है। अवर विंड पाइप इज़ मेड ऑफ सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। हमारी हवा की नाली सी शेप रिंग्स की तरह कुरकरी हड्डी की बनी होती है। दीज रिंग्स कीप अवर विंड पाइप ओपन। यही रिंग हवा की नाली को खुला रखते हैं। म्यूकस एंड टाइनी हेयर इन द ट्रेकिया आल्सो फिल्टर द एयर। म्यूकस, म्यूकस कहते हैं रतूबत या लेसदार लिक्विड, और टाइनी हेयर छोटे छोटे हेयर होते हैं ट्रेकिया में, जो हवा को फिल्टर करने में मदद करते हैं। तो डायग्राम में इस जगह को हम ट्रेकिया कहते हैं। हवा लैरिंग से ट्रेकिया में आती है, और ट्रेकिया क्या होती हैं, सी शेप रिंग्स की तरह कुरकरी हड्डी का बना हुआ एक पाइप होता है, इसी को हम ट्रेकिया कहते हैं। और इसके अंदर म्यूकस और टाइनी हेयर्स मौजूद होते हैं जो हवा को फिल्टर करते हैं। इस तरह नेक्स्ट पार्ट ब्रोंकाई एंड लंग्स। द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। ट्रेकिया दो शाखों में डिवाइड हो जाती है जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। ये देखें, ट्रेकिया आ रही है और ये दो शाखों में डिवाइड हो जाती है, इसी को हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई कैरी एयर इनटू द लंग्स। ब्रोंकाई हवा को लंग्स में ले जाती है। अवर लंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे अहम ऑर्गन्स हमारे लंग्स होते हैं। इन ईच लंग द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। हर लंग्स में ब्रोंकस डिवाइड होकर छोटी छोटी ट्यूब्स में तब्दील हो जाती है, जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल के एंड पर टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई आर प्रेजेंट। हवा की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, वो मौजूद होती हैं। एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलाई के इर्द गिर्द खून की रगें होती हैं जिसको कैपिलरीज कहते हैं। व्हेन वी ब्रेथ इन, जब हम सांस लेते हैं, द एयर इंटर्स द लंग्स, हवा लंग्स में दाखिल होती है एंड रीच द एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई तक पहुँच जाती है। ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई इन टू द कैपिलरीज। हवा में मौजूद ऑक्सीजन एल्वियोलाई की दीवारों से गुजर कर कैपिलरीज में पहुंचती है। द रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। रेड ब्लड सेल्स इसी ऑक्सीजन को जिस्म के हर सेल्स में ले जाते हैं। सेल्स इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म के सेल यूज ऑक्सीजन एंड फूड, खुराक और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। ये खून कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स अवर बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से खारिज होती है। व्हेन वी ब्रेथ आउट, जब हम सांस लेते हैं। तो डायग्राम में बेटा देखें, ये ट्रेकिया इधर आके दो शाखों में डिवाइड हो जाती है, इसी को हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई के इस हिस्से को हम ब्रोंकस कहते हैं, और ब्रोंकस हर लंग्स में जब एंटर होती है तो छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, इसी को हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और हर ब्रोंकियोल्स के आखिरी हिस्से पर हवा की थैलियाँ होती हैं, इसी को हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई, इस एल्वियोलाई को यहाँ देखें बड़ा करके दिखाया गया एल्वियोलाई, और इस एल्वियोलाई के इर्द गिर्द देखें ये ब्लड कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी खून की रगे हैं, इसी को कैपिलरीज कहते हैं। जब हवा नोज से एंटर होती है लैरिंग्स में आती है, लैरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल से होती हुई एल्वियोलाई में पहुंचती है, और एल्वियोलाई के इर्द गिर्द खून की रगें होती हैं। हवा इसी रगों के अंदर, इसी कैपिलरीज के अंदर जाती है, और इसी कैपिलरीज के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। वो रेड ब्लड सेल्स इसी ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के हर सेल्स में ले जाते हैं। फिर हमारे जिस्म के सेल्स इसी ऑक्सीजन को और खुराक को इस्तेमाल करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस फिर लंग्स में आती है, लंग्स से फिर मुँह के ज़रिए बाहर निकलती है जब हम सांस लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट टॉपिक
इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे।